अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, मैं मोहम्मद वकास। आज मैं जा रहा हूँ मस्जिद, मस्जिद का काम चल रहा है तो उस हवाले से मैं काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ और पूरे रमज़ान जो है मैं नहीं गया हूँ मस्जिद। आज देखते हैं कैसा चल रहा है काम और क्या मामला है वहाँ के। आप लोग भी देखें मेरे साथ, जुड़े रहें। बाइक निकाल ली है और निकालते ही ये हो गया, यहाँ से शीशा निकल गया, बाइक भी गिरते गिरते बची पर शीशा जो है वो टूट गया, एक साइड ग्लास। इसे लगवाएंगे बाद में, फ़िलहाल अभी चलते हैं मस्जिद और मैं भी देखता हूँ और आप लोग भी देखें काम कैसा चल रहा है मस्जिद का। गंदम जो है वो ख़राब हुई हुई, कटाई भी चल रही है साथ साथ गंदम। गंदम की हार्वेस्टिंग चल रही है, मशीन लगी हुई। मस्जिद तक ये बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद का और इस रास्ते पे यहाँ जो है वो मस्जिद तामीर हो रही है, वो दिख भी रही है शायद आपको, वो इस घर के पीछे मस्जिद।
ये मैं पहुंच गया हूँ मस्जिद। काम चल रहा है, मजदूर लगे हैं काम में। और मस्जिद के इस तरफ भी गंदम लगी हुई है, पर ये कितनी देखें ख़राब हुई है। इस दफ़ा बहुत गंदम ख़राब हुई है, देखें सारी ये लेट गई है किस तरह। जो गंदम लेट जाती है ये बहुत ज़्यादा जो है ना फिर ख़राब हो जाती है, ये बारिश और हवाओं से जो ये ख़राब हुई है। बस लेकिन आगे जो गंदम है वो सही नज़र आ रही है, सिर्फ इसी टुकड़े में ख़राब हुई है। दूर तक गंदम लगी हुई है ये। खेतों में देखें आप लोग, गंदम की कटाई जो है वो चल रही है, ये मज़दूर काम कर रहे हैं और गंदम बिल्कुल तैयार है। मैंने जूम करके दिखाया आप लोगों को, और इस वक्त बहुत शदीद धूप है और उसमें जो है यहाँ गंदम की कटाई मज़दूर काम कर रहे हैं। ये देखें आप लोग कैसे ढेरियाँ लगाई हुई हैं गंदम काट काट के। और यही साथ ये जो है ये मस्जिद है, ये भी दिखाता हूँ आप लोगों को। काम माशाल्लाह चल रहा है, मज़दूर लगे हुए हैं। ये है मस्जिद का मेन गेट और देखें मज़दूर अंदर जो हैं वो काम में लगे हुए हैं, कलर वाले कलर कर रहे हैं। प्लास्टर हो चुका है मस्जिद को, मिस्त्री उधर जो है वो चुनाई वगैरह कर रहे हैं। ये जो है ये सीढ़ी ऊपर जाने का रास्ता है, ये छत पर सीधे उल्टे हाथ की तरफ ही है वॉशरूम्स वगैरह बने हुए, और इधर बनेगा वजू खाना इस जगह पे। और ये पीछे जो है ये गैलरी है, ये वो मेंबर का पिछला वाला हिस्सा है। सामने कलर भी तकरीबन मुकम्मल हो ही गया है, और ये पीछे से यही वो खेत हैं गंदम वाले जहाँ काम चल रहा है। वजू खाने की जगह आप लोगों ने देख ली, अब ये है ये मेंबर की जगह, बिल्कुल सामने इधर मेंबर बनेगा। और इस तरफ ये दीवार में ही जो है शेल्फ बनवाए गए, इसमें कुरान पाक जो है वो रखे जाएंगे। इस तरफ भी है ये, और उस तरफ भी एक शेल्फ बनाया, दीवार में ही बना हुआ है। इस पे शीशा वगैरह भी लगा सकते हैं वो बाद के काम। माशाल्लाह अच्छा एरिया है मस्जिद का यहाँ। ये अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आप लोगों को तो ये एरिया है, इसमें लाइन से 1, 2, 3, 4, 5, 5 से 6 सफ़े जो हैं वो आराम से बिछ सकती हैं, और लंबाई भी इनकी अच्छी खासी है। और ये जो दरवाज़ा है ये इमाम साहब का कमरा होगा। ये वाला ये इमाम साहब का कमरा, और ये जो जगह यहाँ जो काम हो रहा है ये देखें, ये मजदूर कलर कर रहे हैं सीने को नीचे से। और ये जो है ये मिस्त्री ये यहाँ चुनाई कर रहे हैं बाउंड्री की। और ये जो जगह होगी
ये जगह ये मदरसे के लिए काम में आएगी, यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। कुरान पाक अच्छी खासी बड़ी जगह है ये भी, देखें। और ये इसके बाद सहन है मस्जिद का, वो बताया मैंने आपको, ये वॉशरूम जो वगैरह बनेंगे इधर, और उस तरफ जो है वो वजू खाना बनेगा। छत पे भी जाके दिखाता हूँ आप लोगों को छत। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर छत पर मस्जिद की। ये आ गया हूँ मैं मस्जिद की छत पर। और मस्जिद के चारों तरफ माशाल्लाह खेत हैं, जो मैंने आपको लेफ्ट साइड से मस्जिद की गंदम दिखाई थी, ये देखें सर आप लोग। ये देखें किस कदर ये गंदम खराब हुई है, पूरी लेट गई है। काफी ज्यादा खराब हुई है ये देखें, ये कटी भी रखी है गंदम, ढेर लगाए में हो रही है सब। ये मशीन आएगी फिर इसे साफ करेगी। ये देखें कितनी दूर तक, वहाँ तक ये पूरी एक ही गंदम लगी हुई। सारा अच्छा बड़ा खेत है ये, वहाँ भी गंदम सीजन है ये यहाँ, लेकिन इस दफ़ा ख़राब बहुत हुई है गंदम। ये जो है मस्जिद की पूरी छत है, यहाँ से ये जीना है वो मेन गेट है, और ये छत है। धूप थी सख्त और अभी जो है वो बादल आ चुके हैं और छांव हो गई है, इसीलिए छत पर आया हूँ, वरना बहुत सख्त धूप थी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए लोग देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। मैं देख रहा हूँ आप लोग जो है वो प्यार नहीं दिखा रहे हैं वीडियोज़ पर, वीडियोस को लाजमी लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर कर दिया करें वीडियो को, ताकि और जो है वो मोटिवेशन मिले और मज़े मज़े के नज़ारे आप लोगों को दिखा सकूं मैं। यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक पे और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें ब्लॉग्स, क्योंकि इसी से जो है वो मोटिवेशन मिलती है। उम्मीद है आप लोग जो है वो करते भी हैं लाइक और कर भी दिया करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा जो चैनल है वो और मज़ीद कामयाबी की तरफ जाए। और कल जो है एक स्पेशल व्लॉग आने वाला है, कल हम
घूमने जाएं, हो सकता है कल जुम्मा है और जुम्मे को हम घूमने जाएंगे, वो भी व्लॉग आपके लिए मैं बनाऊंगा। बहुत मेहनत लगती है, इतना बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और इस पे आप लोग जब प्यार दिखाते हैं, इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटिवेशंस मिलती हैं कि नहीं कुछ है जो हम बना रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है। बस यही बातें आप लोगों से कुछ करनी थी। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।